चूहों की सभा। एक बहुत बड़े मकान में सैकड़ों चूहे रहते थे। उन सब की जिंदगी हंसते खेलते फुदकते बड़े आनंद से गुजर रही थी। परंतु एक दिन अचानक घर का मालिक एक बिल्ली उठा लाया। बिल्ली क्या आई, चूहों की तो जैसे शामत आ गई हो। बिल्ली बहुत डरावनी थी। उसे ढेर सारा दूध पीने को मिलता था, परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह घंटों लेटी रहती। 3-4 चूहे तो वह रोज पकड़कर खा जाती। समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। थक हार कर चूहों ने सभा बुलाई, जिसमें हर छोटा बड़ा चूहा शामिल हुआ। एक बोला, हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। भाइयों, अपने अपने सुझाव दो कि बिल्ली को कैसे मारा जाए या कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत समय तक खुसुर-बुसुर होती रही। काफी देर बाद एक नन्हा चूहा आगे बढ़ा और बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दें? जहाँ कहीं वे जाएगी, घंटी की आवाज आ जाएगी और हम अपने अपने बिल में छुप जाएंगे, तो बिल्ली हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चारों ओर तालियां बजने लगी। वाह वाह, यह तो सचमुच बड़ा अद्भुत उपाय था। अरे, इस नन्हे का विचार तो सचमुच कमाल का है। लगता है अब हमारे फिर सुहावने दिन लौटने वाले हैं। अब हमें किसी तरह का भय खाने की जरूरत नहीं। आराम से चैन की बांसुरी बजाएंगे। सदा के लिए मुसीबत से छुटकारा। अरे, इस नन्हे ने तो हमारी चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। इसे सम्मान मिलना चाहिए। एक बूढ़ा चूहा जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था बोल उठा, सुनो, जरा मेरी भी सुनो। तुम सब एक बात भूल रहे हो। क्या? एक बात तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सबके होश उड़ गए। कौन मौत के मुंह में जाए? किसी में इस काम को पूरा करने का पीड़ा उठाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा खतरनाक काम कौन पसंद करता? सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अचानक बिल्ली की आवाज आई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने बिलों में घुस गए। सुझाव देना आसान है, परंतु अमल करना मुश्किल।